एंड गाइस बॉर्न आइलैंड के यहीं पे है ये छोटी छोटी केव्स नेचर के बिल्कुल करीब। अगर आप देखें तो काफी सुंदर है ये सुपर्ब। सो सन देवता पूरे प्रकोप पर एकदम पूरी जलाने वाली बारबेक्यू करने वाली गर्मी। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं किसी और आइलैंड पे। लेट्स सी कौन सा आइलैंड है अब कहाँ जाते हैं। जहाँ भी जाऊँगा आपको ज़रूर दिखाता हूँ। गाइस वी आर एट दिस मुस्लिम विलेज। इस पूरे के पूरे जगह को बोला जाता है मुस्लिम विलेज। एंड मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा पानी के ऊपर बना हुआ है एंड तो यहाँ पर अभी लंच का प्रोग्राम है। लेट्स सी क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे लंच के लिए। आप कह सकते हैं इट्स काइंड ऑफ अ मिड वे पॉइंट। आई होप वेजिटेरियन कुछ हो। फ्राइड चिकन, फिश करी, राइस नूडल, पाद थाई, चिकन स्टीम्ड राइस, टॉम यम सूप। सो आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हैं। देन देयर इज जूस, देयर इज अ टोमेटो सॉस, स्पेगेटी, सम सलाद, दम आलू दाल, पपाया सैलेड। तो चलिए अपना काम बन जाएगा। तो ये था हमारा एक मिड पॉइंट जहाँ पर हमने खाया खाना। खाने में वेजिटेबल ऑप्शन के अंदर दाल थी, दम आलू था एंड राइस, बॉइल्ड राइस एंड सम सैलेड। काफ़ी अच्छा लगा। एंड देन यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ खा रहे हैं। काफ़ी भरी हुई जगह है। जितने भी लोग आते हैं आइलैंड टूर पे वो बीच में यहीं पे रुकते हैं आकर। एंड देन ऑप्शन सेम ही है हर जगह। यहाँ से फिर आप जाएंगे, देखिए बिल्कुल पानी के ऊपर बना रखा है जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ से भी देखिए, सो ये पूरे का पूरी ये जो जगह है ये पानी के ऊपर इन्होंने बना रखी है। देन उसके बाद आपको वहाँ पे मिल जाता है सोविनियर शॉप जहाँ पर आप जाकर सोविनियर्स ले सकते हैं। बेसिकली कुछ लेके जाना है तो, बट आई वोंट सजेस्ट यू कि आप यहाँ से बाय करें क्योंकि यहाँ पर जो भी मिलेगा आपको डबल दाम पर ही मिलने वाला है। एंड दे हैव अ कैफे हियर एज वेल जहाँ पर आप कॉफ़ी, जूस ये सब चीज़ें ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे और अब देखते हैं कि हम सब कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, वो मैं आपको आगे दिखाता रहता हूँ। तो ये है अंदर इनसाइड द मुस्लिम विलेज, जो लोग यहाँ पर रहते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग रहते हैं। देखिए पूरा का पूरा कस्बा है यहाँ पर। सो यहाँ पर है ये इनका स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो आबादी है यहाँ पर। मिस्टर पू, हाउ मेनी पीपल हियर? मिस्टर पू, 800 पीपल। इन द सी? ओके ओके। नाउ फिनिश। Now have booked like already.
सो यहाँ पर ये फुटबॉल खेलते हैं पानी में, और ये है इनका स्कूल। 800 लोग रहते हैं यहाँ पर राइट नाउ। अब हम आगे हैं हॉन्ग आइलैंड में, यहाँ पे स्कनोपी में जाएंगे। चलिए गाइस, अब ये सफ़र शुरू हो गया है। बैठ गए हैं अपने कनोपी पे और चल रहे हैं एक अनजाने सफ़र की ओर। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, नेचर के बहुत ही करीब हैं इस टाइम पर। आई होप, मुझे पता है कि कैमरा इस टाइम पे जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा इस सुंदरता को, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर आएँ, खुद एक्सपीरियंस करें, फील करें, क्योंकि जर्नी नेचर बहुत कुछ सिखाता है। अगर आज थोड़ी सी गर्मी कम होती तो मज़ा अलग ही आता। हम जा रहे हैं Now this is amazing. ये काफ़ी सुंदर है। अब देखें तो काफ़ी स्टीप, काफ़ी नैरो कट है ये, और उसके बाद देखिए कितनी सुंदर जगह है। दिस इज द स्काई, ऐसे कहते हैं कि ज़मीन और पानी और आसमान की एक खिड़की है। काफ़ी अच्छी जगह है, अब देख रहा हूँ। देखा जाए तो भगवान ने, कुदरत ने हमारे को इतने सुंदर सुंदर नज़ारे दिए हैं, और वो भी फ्री में देखने के लिए। लेकिन होता क्या है कि जब इंसान ऐसी जगहों पर पहुंच जाता है तो टिकटें लगानी स्टार्ट कर देता है, पैसे लेना स्टार्ट कर देता है, तो बुरा कौन हुआ इंसान। गाइज, लास्ट स्टॉप नाका आइलैंड। सो यहाँ पर आप लोग स्विम कर सकते हैं, होटल है, कुछ खाना पीना हो तो आप वो कर सकते हैं यहाँ पर। एंड जिसको संसोक करना है वो संसोक कर सकता है। तो इस तरीके से है ये सारा का सारा। लास्ट स्टॉप यही है नाका आइलैंड। एनफ।
I'm done. So my friends, यही था आज का पूरे दिन की activities, क्या है, क्या क्या कर सकते हैं आप, कौन कौन सा एरेंड घूम सकते हैं, क्या क्या activities कर सकते हैं, आना ना आना, करना ना करना, choice आपकी है, लेकिन तब भी अगर हो सके तो एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूर आए, आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि जब आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। चलिए जल्दी से मिलते हैं फिर किसी एक और एपिसोड में। जय श्री राम।